क्या सिद्धारमैया पैसे बांटकर चुनाव जीतना चाहते हैं? क्या सिद्धारमैया नोट के खेल से वोट हासिल करना चाहते हैं? कर्नाटक में अपनी सत्ता बचाने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अपने राजनीतिक फैसलों से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने वाले सिद्धारमैया खुद ही मुसीबत में घिरते नजर आ रहे हैं। सिद्धारमैया पर वोटरों के बीच पैसे बांटने के आरोप लगे हैं। दरअसल हाल में चुनाव प्रचार के लिए मैसूर पहुंचे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो लोगों को पैसे बांटते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे सिद्धारमैया एक गाड़ी के दरवाजे पर खड़े हैं और समर्थकों को पैसे दे रहे हैं। ये तब की तस्वीरें हैं जब सीएम मैसूर के रमनहल्ली में दौरे पर गए थे। उधर सिद्धारमैया का ये वीडियो सामने आते ही बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इतना ही नहीं, सिद्धारमैया पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने बकायदा इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी की है। बीजेपी का आरोप है कि सिद्धारमैया ने चामुंडेश्वरी मंदिर में स्वागत करने वाली दो महिलाओं को चुनाव प्रचार के दौरान 2,000 रुपए बांटे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान मुख्य अर्चक को भी 2,000 रुपए दिए। मिली जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग ने इस मामले पर संज्ञान लिया है और इसकी जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा की सभी 224 सीटों पर एक चरण में 12 मई को वोट डाले जाएंगे, जबकि चुनाव के नतीजों की घोषणा 15 मई को होगी। जाहिर है, अगर चुनाव आयोग की शुरुआती जांच में आचार संहिता के उल्लंघन की बात सामने आती है तो फिर सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ सकती है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।